इंदौर के परदेसीपुरा चौराहे पर सोमवार को कांग्रेस ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए जंगी प्रदर्शन कर भाजपा सरकार को घेरा था। आज फिर कांग्रेसी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए व्यापारियों के हाथ सैनिटाइज करवाने राजवाड़ा पहुंच गए। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस नेता खुद भीड़ इकट्ठा कर कोरोना से बचाव का किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। जिला प्रशासन ने मध्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को राइट लेफ्ट के सिद्धांत पर ही खोलने की परमिशन दी है। ये बात कांग्रेसियों को इतनी नागवार गुजरी कि सभी कांग्रेसी भीड़ जमा कर राजवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गए। मलाल इस बात का नहीं है कि व्यापारियों के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी, मलाल इस बात का है कि कलेक्टर के आदेशों और कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर भीड़ जमा की गई। रोचक बात यह रही कि एक तरफ तो कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों के हाथ सैनिटाइज करवाए। दो मिनट अरे जो हिटलर की छाल चलेगा वो मरेगा। यह कांग्रेसियों को सलाह है कि पहले खुद तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, उसके बाद लोगों को कोरोना से बचने के लिए हाथ सैनिटाइज करवाना। आप खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो अन्य लोगों के हाथ कैसे सैनिटाइज करवा सकते हैं। भीड़ में इकट्ठे होकर प्रदर्शन करना और व्यापारिक क्षेत्रों की तंग गलियों में घूमना खुद के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही दूसरों की जान भी आप जोखिम में डाल रहे हैं। इंदौर के जनप्रतिनिधि ही कोरोना से बचाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो शहर के हालात बिगड़ना तो स्वाभाविक है। गौरतलब है कि पिछले दिनों आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विभिन्न नियमों के साथ ही इस बात का भी जिक्र हुआ था कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करे। ऐसे में अब देखना होगा कि कोरोना काल में भी राजनीति की रोटी सेकने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।